अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल व करम से। और ये जी ब्लैक चने रात को मैंने ओवरनाइट में हमेशा से भिगो देती हूँ, और मुझे भी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो अब बस मैं पकाने लगी हूँ इनको, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। साथ में वाइट राइस बनाऊँगी। अच्छा, इसके साथ ना ज़ीरा राइस और तड़के वाले राइस भी बड़े अच्छे लगते हैं। आज एक्चुअली में मुझे जाना था, नेबर्स ने एक गर्ल्स की गेट टुगेदर थी। जी हाँ, स्टिल वी आर। तो आज एक टी पार्टी थी जो हमारी सोसाइटी की, जो हम नेबर्स हैं ना, तो बस वो आज मैंने जाना था। तो सोचा कि कुछ ऐसे राइस वगैरह बना लूँ, देर भी हो जाएगी आके, फिर रोटी पकाने को दिल नहीं करता। फिर गर्मी भी थी तो बस अब मैं पानी पी रही हूँ, पानी पी रही हूँ, पी रही हूँ। ये क्या हो गया भाई मुझे आज? आज मेरी जोन सी है ना, ये क्यों अटक गई है? अब मैं बस लाइट्स वगैरह ऑन कर रही हूँ, ये सुबह का टाइम है, और बस मैं लिविंग में जा रही हूँ। तो बस अभी मैंने नाश्ता भी करना है। सबसे पहले मैं थायरॉयड, अपनी थायरेक्सन खाऊंगी। आज पता नहीं वॉइस ओवर में इतनी गलती क्यों हो रही है मुझसे ना। तो ये थायरॉयड मैं दो टैबलेट लेती हूँ, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायर्ड होती है, मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं दो टैबलेट जो सी है ना डेली मस्ट, मुझे नाश्ते से आधा घंटा पहले जो सा लेनी पड़ती है। मेडिसिन खाने के आधा घंटे बाद नाश्ता करना है, तो मैंने सोचा चावल जो उनसे मैं भिगो दूँ, क्योंकि चावल जितने भीगे होंगे फिर जल्दी भी बन जाते हैं और बड़े अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो चावल तो वैसे साफ़ है, लेकिन मैंने देखा है इसमें ना एक आध पत्थर कंकर जो उनसे ना वो है। फिर बस मैं इसको क्लीन करके तो फिर मैं इसको भिगो दूँगी, कुछ घंटा मैं भिगो दूँगी, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास। मैंने 4 बजे तक जाना है, और असर के बाद ही मैं जाऊँगी। इसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता बनाने लगी हूँ और चाय पीने लगी हूँ। और इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है। तो अभी बस मैं जाके भी वॉइस ओवर के बाद फिर मैं चाय भी बनाऊँगी अपने लिए, और साथ मैंने खाना भी रख दिया है। और प्रेशर में मैं बनाती हूँ इसको, हमेशा से बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। इसमें मैंने सिर्फ लहसुन और प्याज डाला है, कोई अदरक नहीं डाला, कुछ नहीं। किसी किस्म का मर्ज़ी अगर आप डालते हैं ठीक है, तो विसल दूंगी। फिर मैं इसमें नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ऐड करूंगी। कसूरी मेथी का इसमें बहुत मज़ा आता है, तो आप अगर नहीं डालते थोड़ी सी कसूरी मेथी डालें, बहुत अच्छा इसका ना टेस्ट आता है। और ये तब डालना है जब ऑयल डाल के आप भूनते हैं ना, तो प्याज़ और लहसुन मैश होंगे। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल भी जो होता है ना प्याज नज़र अगर आए तो उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसको अच्छी तरह भूनती हूँ। अच्छा, मुझे ना काले चने जैसे अभी मैं भून रही हूँ ना, तो ये भी अगर आप थोड़ा सा खाएं ना स्पून के साथ, वो भी बहुत मज़ा आता है। मैं कभी कभी होता है मुझे, अगर क्रेविंग हो तो मैं खाती हूँ। और काले चनों के बारे में सुना है कि इसके इतने फ़ायदे हैं, लाइक जितने जैसे आप पाए खाते हैं ना, तो पाए की जितनी वो एनर्जी है उसमें है, उतनी ही काले चनों में है। जो भुने हुए चने हैं वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। अब ये देखिए कितने अच्छे भुन गए हैं मेरे। तो ये जो ये स्टेज है ना, इसमें आप अगर थोड़ा सा खाएं तो बहुत मज़े के होते हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करूँगी, और फिर मैं पानी डाल के जितना मुझे शोरबा जो रिक्वायर्ड है ना, हम बहुत पतला नहीं, बस हम बहुत थिक भी नहीं, बस नॉर्मल जैसे होता है ना दरमियाना, वो पसंद करते हैं। और चावल भी मेरे बॉयल हो गए हुए हैं। और सब कुछ होने के बाद मैं रूम में आई हूँ, तो आज मैं सना सफीनास का, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कहीं इतना आना जाना नहीं हुआ था, तो कपड़े ये स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने लिए थे तो पहने नहीं थे गए, तो अब मौके मिल रहे हैं तो मैंने सोचा मौसम चेंज हो जाए उससे पहले पहन लूँ। तो ये ट्राउज़र है, नीचे इसकी ये लेस है, और दुपट्टा जो उनसा है ना, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि आपको ना कुछ रीज़न से ट्राउज़र अच्छा लगता है किसी का कुछ, तो दुपट्टा समटाइम बहुत अट्रैक्ट करते हैं कलर्स। तो ये मेरा और निदा का सेम एक जैसा है, तो मुझे इसका दुपट्टा एक्चुअली में बहुत बहुत पसंद आया था। और इस दफ़ा मैंने बताया ना कि मुझे पर्पल ये ढूंढ के कलर ढूंढ से ना बहुत अच्छी लग रही थी, यानी कि होता ना कलर अट्रैक्ट कर रहे थे इसके। तो साथ मैंने ये क्लच, क्योंकि मेरा जो सैंडल है ना वो भी इसी कलर का है, तो फिर मैंने क्लच भी ये लिया। ये मेरी भाभी है, मुझे फ्रीहा ने दिया था, वो यूके से लाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मैंने कहीं जाना हो ना, तो मेरी ऑयली स्किन है, तो मैं मड मास्क, फ्रूट मास्क, वेजिटेबल मास्क, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड स्वीटी लाहौरी ब्लॉगर ने मुझे बताया था, मुझे नहीं उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था, मिनरल मास्क, वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं कभी ऐसा हो तो मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इससे एक तो स्किन भी फ्रेश लगती है, और मैं जब आपको बताऊँगी कि मैं नॉर्मल रूटीन में जितना मेकअप करती हूँ तो इससे ज़्यादा मेरा नहीं होता। 2 रिंग्स होती हैं, एक वॉच होती है, अगर वॉच नहीं तो मैं हल्की सी लाइट सी बैंगल्स पहनूंगी,
एक केक वो भी। और एयरिंग्स होंगे क्योंकि ये डे का था तो मैंने एयरिंग्स ये वाले स्टक किए। अब लिप ग्लॉस मैंने दोनों निकाले हैं, इन दोनों में से जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँगी। और कैच और पोनी मेरे बैग में ज़रूर होता है क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ लगा के, मैं हमेशा जो उनसे है ना ऐसे ही जाती हूँ, फिर बाद में गर्मी लगे कुछ हो तो मैं फिर करती हूँ। तो ये फेयर एंड लवली की बेबी क्रीम भी, आज पता नहीं क्या वॉइस ओवर में क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, बीबी क्रीम जो सी है मुझे बहुत सूट की थी, मैंने काफ़ी ट्राई की है लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं फिर ये वाली बीबी क्रीम अप्लाई करूँगी और उसके साथ थोड़ा सा लाइट सा ब्लशन लगाऊँगी। काजल तो मस्ट होता मेरा, और लाइनर भी लगाऊंगी। और बस जी मैं रेडी हो गई, मैं जा रही हूँ, आपको सैंडल दिखा रही हूँ। इस दफ़ा मैंने शूज़ कोई इतने खास नहीं लिए, मेरा ई सी एस का है तो प्यारी सी क्यूट सी लड़की को नहीं लेना चाहती। देखो ना सब 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 कर रहे हैं यार, ये पापा जॉन्स आप लोगों ने ड्राइवर के जरूर मंगवाया होगा। मैं ऐसे नहीं आ सकता, ये देखो इसने कहा कि आओ एक पिक्चर के लिए जा रहे हैं और मुझे नहीं आना। अच्छा टोनी को इतना बुरा काम लगता है ना कि गेस्ट बैठे हुए हैं और तुम्हें या जॉन्स ने पिक्चर्स का, मैं तो गेस्ट अब खाए ना अपने ही स्लीप करके वरना तो फॉर्मली होना पड़ेगा। यार घर जो उनसे ना कितनी देर तक आप चेंज करते रहते हो, कुछ ना कुछ जो हम दोबारा से खाएंगे। मैं वैसे भी नहीं थी उठने वाली, एक बहुत अच्छे दिन के बाद एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। अब अल्लाह का शुक्र है कि एक्चुअली मैं काफ़ी देर लॉकडाउन के बाद लोग घरों से हम लोग निकलना शुरू हुए हैं, ऐसे गेट टुगेदर्स हो रही हैं तो अच्छा लग रहा है, सबसे मिलने का एक बहाना होता है। तो बस यहीं तक थे मेरा ब्लॉग, अपना ख्याल रखिएगा।